दो कैटेगरी की है एक है इंटरमीडियरी, विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है देर आर एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स नंबर फॉर ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वेरी सुम कि हु विल बी दोस्त पहला है कि आपको एक ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा एंड इस ग्रिवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा हु ट्वेंटी फोर आवर्स एंड डिस्पोजल इन फिफ्टीन डेज दैट इज वेरी क्लियर सेकेंड इफ देर आर कॉम्प्लेन्ट अगेंस्ट द

तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा पहला यू हैव टू हैव ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रेजिडेंट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स सेकेंड ए नोडल कंटैक्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर हैविंग ट्वेंटी फोर बाय सेवन कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु परफॉर्म द रिड्रेसल ग्रीवां रिट्रेसलिज इंडिकेटेड एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेन्ट्स आए आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया दे जस्ट टू कॉन्क्रिटाइज वेर इंपावरिंग दर्डनरी यूजर्स ऑफ Social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism in shooting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India, and you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई बट हु द क्रिएटर हु द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिस्चीफ बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू हो जाती है कई बार मेहम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं हु बिगेन द मिस्चीफ यह आपको बताना पड़ेगा यह मिस्चीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया यह बताना पड़ेगा आई रिपीट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बींग आस्ट आइदर बाई ए कोर्ट ऑर्डर और बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी Will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, uh, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी यस yes. और यह सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां पांच साल से अधिक की सजा है आई एक्सप्लेन टू यू बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा इसमें एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉल्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा सोशल मीडिया नॉट द गवर्नमेंट

ज ए कोर्ट ऑर्डर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और डिसबल एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ एनी सोशल मीडिया यूजर यू आर रिक्वायर्ड टू गिव हिम रीजन एंड ऑल्सो हियर हिम ये हमने एक प्रोविजन रखा है मित्रों ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो तीन महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें विल बी गिविंग ए विंडो फॉर थ्री मंथस फॉर सिग्निफि सोशल मीडिया and the rest will come into effect from the day the rules are notified.